अगर आपका भी Redmi MI Android स्मार्टफोन कुछ इस प्रकार से लॉक हो चुका है और अनलॉक नहीं हो रहा है, तब जाकर आपने इस वीडियो को ओपन किया है। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर और स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंड, Redmi MI Android स्मार्टफोन का पासवर्ड लॉक, पैटर्न लॉक, पिन लॉक को कैसे आप घर बैठे अनलॉक कर सकते हो बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा लॉस किए हुए। फ्रेंड, जब आपका Redmi फोन इस प्रकार से लॉक होता है और अनलॉक नहीं होता है तो आप लोग बहुत परेशान और चिंतित हो जाते हो, डायरेक्ट जाते हो अपने फोन को लेकर सर्विस सेंटर या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास और दोनों जगह आपका फोन भी अनलॉक होता है। लेकिन वहां पे आपको पैसा देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, डाटा देना पड़ता है। डाटा बोले तो फैमिली फोटो, फैमिली ऑडियो, फैमिली वीडियो, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एप्लीकेशन, ऐप, गेम, जो भी आप अपने फोन में रखे हो वो टोटल का टोटल वो लोग डिलीट कर देंगे। वो लोग कौन सा वर्क आपके फोन में करेंगे कभी नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहाँ जो भी होगा आप लोग के सामने होगा और आप लोग का पैसा ही बचेगा, समय भी बचेगा, डाटा ही बचेगा। बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा लॉस किए हुए, बिना पैसा दिए हुए हम आपको आज सिखाएंगे कैसे Redmi मोबाइल का लॉक तोड़ा जाता है। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि कभी भी ऐसा सिचुएशन अगर आप लोग के सामने आए तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पे कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हो। फ्रेंड, तो सबसे पहले जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे आप देखोगे यहाँ पे पैटर्न लॉक है। पासवर्ड होता तो पासवर्ड शो करता, पिन होता तो पिन शो करता। आप यहाँ पे अपना पैटर्न डालोगे जो आपका वो पैटर्न एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ सेकंड शो करेगा। फिर ट्राई करोगे बार बार, यहाँ मिनट शो करेगा। धीरे धीरे आपका फोन डेथ होता चला जाएगा। आपको इतना कोशिश नहीं करना है फ्रेंड। नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आपको ऑप्शन सर्च करना है। यहाँ पे पैटर्न डालने के अलावा आप क्या कर सकते हो फ्रेंड? पैटर्न आपको याद नहीं है, फोन अनलॉक होगा नहीं, तो ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, दाएं कुछ नहीं, बाएं कुछ नहीं। नीचे देखोगे तो आपको इमरजेंसी SOS का ऑप्शन दिखेगा, जिसे इमरजेंसी कॉल भी कहते हैं। तो आपको इसी कॉल का मदद लेना है, इमरजेंसी कॉल का, यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपके सामने एक न्यू डायलॉग ओपन हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो ये ग्रीन कलर का जो ऑप्शन देख रहे हो ना फ्रेंड, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने एक न्यू डायलॉग ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक छोटा सा कोड का इस्तेमाल करना है, छोटा बोले हैं बट छोटा है नहीं फ्रेंड। लेकिन ये कोड अगर आपको भी अपना फोन अनलॉक करना है तो ये कोड आपको यूज करना पड़ेगा। ये FRP कोड है फ्रेंड, जिस कोड के मदद से आप Redmi मोबाइल का FRP लॉक को रिमूव कर सकते हो। और सबसे पहले किसी भी फोन का लॉक तोड़ने के लिए उस फोन का FRP लॉक को रिमूव करना जरूरी होता है। इस कोड को ओनली वन टाइम अपने फोन में कॉल करो ताकि ये कोड वर्किंग करे और आपके फोन में एक्टिव हो जाए। ओनली वन टाइम कॉल पे क्लिक करो, कॉल फील्ड का मैसेज आएगा, उसको ओके करो, ये वन टाइम कॉल कंप्लीट। अब इस कोड को एक एक करके हटा लेना फ्रेंड। कोड में अगर आप लोग किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं करते हो तो आपका ही फोन अनलॉक होगा, वो भी विदाउट डाटा लॉस होगा। #1 ये कोड आप लोग देखिए फ्रेंड, ये कोड फर्स्ट वाला कोड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कोड से हम आपका डाटा रिकवर करेंगे। जो डाटा सर्विस सेंटर वाले आपसे पैसा और समय लेने के बाद भी डाटा रिकवर करके नहीं देते हैं, हम इस कोड के अनुसार फ्री में आपका डाटा रिकवर करेंगे फ्रेंड। ऑफलाइन मूड कोड, जिस कोड के मदद से हम आपका डाटा रिकवर करेंगे, और आप भी किसी भी Redmi फोन का इस कोड के मदद से डाटा रिकवर कर सकते हो। तो इस कोड को ओनली 5 times कॉल करना है, ओनली 5 times। कॉल पे क्लिक कीजिए, कॉल फील्ड का मैसेज आएगा, उसको ओके कीजिए, 1 time कॉल कंप्लीट। ये आपका हुआ 2, 3, 4 and then 5। अब इस कोड को डायरेक्ट हटा दीजिए। अब आपके सामने हम फाइनल कोड देंगे फ्रेंड, हार्ड रिसेट एक्टिव कोड, 777#2777#। हार्ड रिसेट एक्टिव कोड, इस कोड को भी देखिए, डायल कीजिए अपने Redmi फोन में, ओनली 7 times कॉल कीजिए। कोड को सही तरीके से डायल करने के बाद 7 times कॉल कीजिए, आपका पासवर्ड, पैटर्न, पिन जो भी होगा रिमूव होगा और आपके सामने आपका फोन अनलॉक होगा। ओनली 7 times कॉल पे क्लिक कीजिए, कॉल फील्ड का मैसेज आएगा, ओके कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then 7। कोड को एक एक करके हटाइए। और एक बात और फ्रेंड, जिस कोड को जिस प्रकार से हम हटा रहे हैं सेम आपको भी हटाना है। होम बटन का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए, आप पाइएगा कि आपका भी Redmi फोन ठीक इसी प्रकार अनलॉक होगा, वो भी विदाउट डाटा लॉस होगा। पैसा बचा, समय बचा, डाटा बचा। मैंने जो भी कि आप लोग के सामने किया, सर्विस सेंटर वाले ये वर्क आपको कभी नहीं दिखाते हैं। डाटा भी रिकवर करके दिया, सर्विस सेंटर वाले पैसा और समय लेने के बाद भी डाटा रिकवर करके नहीं देते हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और 10 मिनट के अंदर पासवर्ड, पैटर्न, पिन को चेंज कर लीजिएगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।